दोस्तों पूरी दुनिया में सांपों की टोटल 3000 से भी ज्यादा प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से आज हम एक ऐसे सांप के बारे में जानेंगे कि जिसकी जानकारी शायद आपको पता ही ना हो। तो दोस्तों आज हम जानेंगे फ्लाइंग स्नेक के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत पवार। तो आपका स्वागत है द एनिमल एडवेंचर पर, जहाँ पर हम हर हफ्ते दुनिया के अलग अलग प्राणियों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो बिना देर किए चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्लाइंग स्नेक, जिसे ग्लाइडिंग स्नेक के नाम से भी पहचाना जाता है, और पूरी दुनिया में 51% से भी ज्यादा फ्लाइंग स्नेक की प्रजाति पाई जाती है। और फ्लाइंग स्नेक पूरी दुनिया में साउथ ईस्ट एशिया के यहाँ पे पाया जाता है, और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फ्लाइंग स्नेक की टोटल 5 प्रजाति पाई जाती है। फ्लाइंग स्नेक, इसके नाम से आपको ऐसा लगता होगा कि ये सांप उड़ता होगा, पर माना कि ये ऐसे नहीं है। फ्लाइंग स्नेक एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग मारते हैं ताकि वो दूसरे प्राणियों का शिकार कर सके, और फ्लाइंग स्नेक एक जंप में तकरीबन 100 मीटर की दूरी तय कर सकते हैं। और फ्लाइंग स्नेक की एक प्रजाति ऐसे है कि पूरे फॉरेन कंट्रीज में वो बहुत ही ज्यादा मशहूर है, क्योंकि लोग उसे पेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। और उसका नाम पैराडाइज ट्री स्नेक है, और जो सिर्फ यूरोप में पाया जाता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 3 फीट की होती है। और फ्लाइंग स्नेक ज्यादातर पेड़ पौधों पे ही रहना पसंद करते हैं, और इसलिए जमीन पर उनका शिकार करना नामुमकिन है। और दूसरे सांपों की तरह ये सांप भी एक मांसाहारी प्राणी है, जो ज्यादातर लिजर्ड्स, बर्ड्स, बैट्स, रोडेंट्स और फ्रॉग्स का शिकार करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अर्बनाइजेशन के डेवलपमेंट की वजह से हर प्राणियों का घर डूबता जा रहा है। अगर हम पेड़ पौधे लिमिटेड काटे तो दूसरे प्राणी भी अपने अपने घर सुकून से रह पाएंगे। इसीलिए अगर हमें प्राणियों की प्रजाति बचानी है तो हमें पेड़ कटाई कम करना होगा। साइंटिस्टों के अनुसार फ्लाइंग स्नेक एक डिऑर्नल स्नेक है, मतलब वह सांप दिन में शिकार पे जाता है और रात को सो जाता है। और फ्लाइंग स्नेक की लंबाई तकरीबन 2 फीट से 4 फीट तक हो सकती है, और उसका वजन तकरीबन 1 किलोग्राम तक का हो सकता है। और फ्लाइंग स्नेक ये जंगलों में तकरीबन 10 सालों तक ही जी सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये जानकारी शायद आपको वाकई में पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसके साथ ही शेयर करना भूलिएगा मत। लेकिन इस वीडियो को ज्यादातर बच्चों से शेयर करना, ताकि बच्चे भी प्राणियों के बारे में जानकारी हासिल कर पाए। और एक बार फिर इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद।